देवास के ग्राम मुगावदा में प्राइमरी स्कूल के अतिरिक्त भवन पर ग्राम के उप सरपंच रंजन सिंह राठौड़ ने लंबे समय से कब्जा कर रखा था, जिसकी शिकायत कलेक्टर ऋषभ गुप्ता से की गई। मामले को संज्ञान में लेने के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए स्कूली जमीन से ये कब्जा हटवाया है। स्कूल भवन के 64 वर्ग मीटर का कब्जा हटाकर प्रभारी हेडमास्टर सुरेंद्र सिंह राणावत की सुपुर्दगी में दिया गया। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? सचिव महोदय, उसको एक बार अवगत कराया गया था इसके लिए, तो उनने उप सरपंच से बोला भी था कि भैया ये आपके द्वारा यहाँ पर जो कब्जा है, ये कैसा कब्जा है, ये आपके स्कूल है ये? उनने बताया कि नहीं, ये एक टाइम पे मेरे पिताजी ताजी के इनके किसी परिवार के नाम से बता रहा है कि ये है, लेकिन गांव वालों से जानकारी पता चली कि वो तो वास्तव प्राथमिक विद्यालय था, वहाँ पर क्लासें लगती थी, वहाँ जो रहने वाले लोग उसी स्कूल में पढ़े थे, वो खंडर हो गई और बच्चे कहीं दूसरे स्कूल दूसरा भवन बना वहाँ पे चले गए, तो वहाँ पे फिर उनका कहीं कब्जा वब्जा उनने कर दिया। सर, ये ग्राम पंचायत नागूखरी का मामला है, उसके अंतर्गत गांव आता है मुंगावदा, वहाँ पे एक शासकीय विद्यालय है प्राइमरी स्कूल, उसमें विगत कई वर्षों से उप सरपंच का कब्जा था, बेजा कब्जा, और फिर उसकी शिकायत होने के बाद संज्ञान में आया, कलेक्टर साहब ने संज्ञान में लिया, तहसीलदार महोदया को आदेश किया, आदेश के बाद उन्होंने ग्राम पंचायत को अवगत करा के संयोग लेके कब्जा हटवाया। ये मामला संज्ञान में आया था जब टीचर्स के साथ में हमारी मीटिंग हुई थी, BOs के साथ, BRCs के साथ में, तब ये मामला संज्ञान में आया था कि वहाँ शासकीय भवन में किसी प्रकार का किसी ग्रामीण जन के द्वारा कब्जा किया गया है। उसी के संबंध में हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तहसीलदार महोदया पूनम जी को बताया गया था कि वहाँ से कब्जा हटवाया जाए, उसी के तारतम्य में कल वहाँ कार्रवाई की गई और कब्जा वहाँ से हटाया गया है और स्कूल प्रशासन को कब्जा सौंपा गया।